धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस ने एफआईआर में लिख दिए लाठी डंडे, पीड़ित पहुंचा एसपी ऑफिस। खबर मानीपुरा कोलारस से आ रही है। यहां रहने वाले धर्मेंद्र प्रभाकर ने आज एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब 18 तारीख को मोहन सिंह सिकरवार, दीपू राज सिकरवार, मनीष तोमर, छोटू ठाकुर ने मेरे घर पर तलवारों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार लहूलुहान हो गया। जब हमने इसकी शिकायत कोलारस थाने में की तो पुलिस के द्वारा धारदार हथियार को ना लिखते हुए लाठी डंडों से मारपीट दर्ज की है, जबकि हम तलवारों से हम पर हमला किया गया है। वो आवेदन देने आए हैं एसपी साहब को, क्या है वो अभी तक, आज से 18 तारीख को अभी हमारे घर में रात के 8:30 बजे 5-10 लोग घुस बैठे। एक ही दम से मैं ऊपर खाना खा रहा था उसी टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, माँ बाप के साथ और पूरी फैमिली के साथ मारपीट की है। हम परिवार में 7 लोग घायल हैं और मेरे यहाँ पे एफआईआर तो हो गई है। हाँ, एफआईआर तो हो गई है, पर मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, खुलेआम घूम रहे हैं। कल रात के 1:30 बजे मेरे घर के आंगन खड़े होकर वो बार बार हॉर्न बजाते हैं, बार बार उनका लाठी दिखाकर घर से बाहर निकलना, बंदूकों को ऐसे ऐसे करते हैं बार बार मेरे सामने। मैं दुकान पे बैठता हूँ, मैंने 2 दिन से दुकान नहीं खोली, हमारे पापा 2 दिन से ऑफिस नहीं जा पाए, हम गली वाले मकान तक नहीं जा पा रहे उनके चक्कर में। आप क्या बोले सर? बोले हैं कि करेंगे कुछ निराकरण।